हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, कैसे हो? हम आ गए आज अपने अगले लेक्चर पे। अगला लेक्चर आज का क्या है पता है आपका? अगला लेक्चर क्या है? हमने देखो लिखा हुआ है, अगला लेक्चर है आज का एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। आज हमको पढ़ना है इनइक्वालिटीज का अगला पार्ट, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? लीनियर पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मतलब हमने पावर वाली, फिर उससे और पावर बढ़ा के आपका पॉलिनोमियल वाली इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, जिसका फैक्टराइज कर करके हम वैल्यू निकाल रहे थे। अच्छा, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से एक सवाल आज करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पे हम बात करेंगे। तो पीछे का सवाल अगर हम करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, एक सेकेंड में जरा हम रिवीजन कर लें। तो रिवीजन अगर करना है तो क्या आ जाएगा? जैसे मैं देखो इस बार आज के दिन में मैं सवाल थोड़ा सा बदल रहा हूं, आज का सवाल जो थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा हूं। क्या होगा पैटर्न? जैसे देखो मैंने लिखा कि फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग, देखो यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो कैसे हम इसका फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? जरा देखो, अगर आप क्लास इलेवेंथ में हो तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, क्लास टारगेट में हो तो मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा। इलेवेंथ में हो तो थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि हम आप यहां से बात करेंगे कक्षा दस की, थोड़ी सी बात। कक्षा दस में आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था और यहां पे देखो ये वाला ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। और फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना होती है, और यहाँ पे ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। जब फैक्टराइज ना कर पाए तो उस केस में क्या करते हैं कि हम इसके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बाबा को याद करते हैं, श्री द्राचार्य मेथड। बाबा अपने भारत के हैं, बाबा है काला बाबा, उनको हम कहते हैं। तो अपने बाबा को हम याद करेंगे। बाबा ने बताया कि वो माइनस बी प्लस माइनस क्या था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। तो यहां से हम सिर्फ इसके लिए बात कर रहे हैं, इधर वाले के लिए, अभी इधर वाले को छोड़ के रखे हैं। इधर क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वन माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी के जगह पे भी वन अपॉन टू। एक्स की वैल्यू जरा देखो तो बच्चों क्या आया, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, ये वन माइनस फोर क्या माइनस थ्री आ गया क्या? ओहो, तो गड़बड़ हो गया। अंडर रूट के अंदर माइनस आते ही इलेवेंथ हो तो आपको दिक्कत हो गई कि सर जी ये तो, यानी आपको याद है सर टेंथ में हमने किया था कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया या डी की वैल्यू, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं ये वाला डी, इसकी वैल्यू डी कहलाती है, तो डी की वैल्यू अगर निगेटिव आया तो उस केस में इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो हम इसी बात पे ध्यान देंगे, जब भी हमारा फैक्टर नहीं हो पाएगा तो हम ऐसे फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। और उस केस में जैसे देखो हम यहां से निकालेंगे डी, हम पहले वाले का पार्ट कभी भी बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वन वाले का हम बात कर रहे हैं, इसका हमने d निकाला, d सबको आ गया 3 माइनस 3 निगेटिव। अगर d माइनस 3, कोई बोलेगा सर कहां से माइनस 3 आ गया, तो वही b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू आया माइनस 3 निगेटिव आ गया। और जैसे ही d निगेटिव आ जाए, जैसे अगर if d इज निगेटिव देन आपको चेक करना चाहिए, देन चेक वैल्यू ऑफ a, देन चेक साइन ऑफ a, साइन ऑफ ए, ए का मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट साइन चेक करो उसका। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताओ क्या है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू वन है, वन पॉजिटिव है। तो अगर मैं लिख देता हूं इसमें भी कि इफ ए पॉजिटिव होगा तो होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस पूरे की वैल्यू, मतलब होल वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा नहीं पता, पर एक बात अपने को मालूम चल गई कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये a निगेटिव होगा तो वैल्यू, होल वैल्यू किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब बताओ इधर जब d निगेटिव होगा तभी के लिए केस मैं बोल रहा हूं, कहीं आप गलती से d पॉजिटिव हो गया तब भी आप a पॉजिटिव निगेटिव देख के गलत काम मत कर देना, ध्यान रखना। कब ये सब चीज करना है, जब d निगेटिव हो जाए। तो उस केस में आपका इस बार यहां पे देखें तो d हेयर मतलब इस सवाल के लिए,
डी था निगेटिव, ए की वैल्यू था 1 पॉजिटिव, देयरफॉर होल वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर विश्वास ना हो कि सर ने कैसे बता दिया, तो आप एक्स की जो रैंडम वैल्यू मन कर रख के देख लो, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव, एक के देखो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। तब ये क्या बन गया, अभी सवाल अपना क्या बन गया, अब ये सवाल जो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसमें ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो मैंने एक बात बोला था कि जब कोई पॉजिटिव नंबर से आप रूल ऑफ इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और निगेटिव से करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसीलिए तो हम इतना सा मेहनत करे हैं कि पता चल जाए कि ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव हो गया या पूरे की पूरी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, तो इससे अपने को क्या लेना देना है, तो जाकर सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। निगेटिव होती तो भी डिवाइड कर देते, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते। तो अब यहां से इसको हम ले आके यहां पे डिवाइड कर दिए, और बच्चों डिवाइड करते ही यहाँ पे बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और इसके फैक्टर आपको अभी तक रट गए होंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 नंबर लाइन पे डाला, यहाँ से x की वैल्यू 2 आई और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। बोलो बच्चों समझ में आ रहा बात, ये यहाँ से 2 आ गई, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू ये 1 पुट हुआ, यहाँ पे 2 पुट हुआ राइट साइड में, प्लस माइनस प्लस ऑड ऑड दोनों, तो क्या हो गया x की वैल्यू, बोलो लिख डाले क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, 1 और 2 पे ओपन लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाया हुआ था, नहीं लगाया था, हमसे गलती हुई बच्चों, लगाया था तो यहाँ पे लग जाएगा, वो क्लोज लग जाएगा, यहाँ पे डार्क सर्कल लगा देंगे, लगाया था सवाल में, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका पुराना पिछले वाला पढ़े हैं, लेकिन हम आज का पढ़ना चाहते हैं, अपना जो लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बारे में पता करना चाहते हैं। तो अगर हमको एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बारे में पता करना है और इसको हम सॉल्व करना है, तो ये तो हम पिछले का रिवीजन कर लिए, अब थोड़ा आगे देखते हैं। आपको आगे जरा एक छोटी सी बात से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी छोटी सी बात से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मैं बताऊं साइन किधर लग रहा है, कौन बड़ा है, क्या इससे बड़ा है, क्या इससे बड़ा है, क्या फिर से बताना, 2 की पावर 1 बाई 2, 2 की पावर 1 बाई 3, 2 की पावर 1 बाई 4, आप जरा बताओ कौन बड़ा होगा, क्या आप फिर से यही सबसे बड़ा, सॉरी यहां पे उल्टा लगेगा, यहां पे उल्टा जाएगा, ये देखो तो ऐसा है, और यहां पे जरा बताओ तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये सबसे बड़ा होगा, फिर उसका थर्ड रूट निकालेंगे और छोटा आएगा, फोर्थ रूट निकालेंगे और छोटा आएगा। अब मैं कह रहा हूं 1 बाई 2 की पावर 1 1 बाई 1 बाई 2 की पावर 2, 1 बाई 2 की पावर 3, जरा बताओ कौन से किधर की तरफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगाया जा, क्या ये 1 बाई 2 का मतलब 0.5 है क्या, और ये 1 बाई 4 का मतलब 0.25 है क्या, ये 1 बाई 8 का मतलब 0.125 है क्या, क्या अभी भी यही बड़े हैं क्या, जरा देखो तो अभी भी यही चीज बड़ा हो रहा है क्या। अच्छा अभी मैं कह रहा हूं कि फिर से मैंने कहा 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 2, 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 3, 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 4। अच्छा अभी जरा देखो, या आप देखो क्या, अब इसमें देखो ये रूट 2 नीचे, ये बड़ी नंबर ये छोटी हो जाएगी, ये उससे छोटी का नीचे डिवीजन होगा, तो ये छोटी होगी, सबसे बड़ा ये आ जाएगा। तो आपको एक चीज दिख रहा है, ध्यान से देखो क्या चीज, कि अगर ये 2 की पावर 1 से आप 1 से पावर बढ़ा रहे हो, तो जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे साइन ऑफ इनइक्वालिटी उधर साइड में लग रही है। यहां भी देखो कि आपका ये भी आपका 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है। देखो कैसे हम देखते हैं
कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों एक से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी आगे ही लग रही है, दोनों ही एक से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी आगे ही लग रही है। अगर इन दोनों में से कोई एक गड़बड़ हुआ, मतलब 2 की पावर 1/2 की बात करें, या देखो ये तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पहले वाला बड़ा होते जाएगा और आगे वाला छोटा होते जाएगा, या अगर हम 1/2 की और ये 1/2 और इसकी हम बात करें, तो ये देखो आपका ऊपर वाला एक से बड़ा कर रहा हूं और नीचे वाला एक से छोटा कर रहा हूं, या एक से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी उल्टा हो गई। तो आपको क्या रखना है, याद रखना है कि अगर जो ये बेस है पूरे में, क्या याद रखना है कि a की पावर x पहली बात तो है कि ये जो a की पावर x होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पहली बात तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके ग्राफ, मतलब हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा कठिन होने लगे, लेकिन कठिन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आपको ग्राफ बता दे रहे हैं। इसका ग्राफ होता है a की पावर x का ये और a की पावर माइनस x का ये। ये तब होता है जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है। कब होता है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये चीज तो है कि हमेशा पॉजिटिव हो गया। अब मैंने कहा कि a की पावर x में, और मैं एक और चीज कह रहा हूं कि a की पावर y में, अगर मैं साइन ऑफ इनइक्वलिटी ये लगाया हूं, जरा देखो अगर यहां से हम क्या चेक करेंगे, इस केस में चेक करेंगे चेक बेस। अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, जरा देखो तो a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या साइन ऑफ, क्या ये पहले वाला छोटा बाद वाला बड़ा हो रहा है क्या? a की वैल्यू अगर 1 से छोटा बड़ा हो गया तो ये x की वैल्यू x y से बड़ा हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अगर यहीं पे फिर से चेक करेंगे a की पावर x, a की पावर y, अगर फिर से चेक किया, चेक करके हमें पता चला कि चेक बेस, ये भी बेस लिखा है, अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, जरा देखो तो a की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, जरा देखो तो a की वैल्यू कहां पे है, ये है ना, a की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई उस केस में जरा देखो तो क्या ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी उल्टा हो गया क्या, कि देखो ऊपर वाला 1 ऊपर वाला बड़ा हो रहा है क्या? जरा देखो ध्यान से, तो नीचे वाला बेस अगर आपका, देखो कुछ याद करने वाली बात नहीं है, बस याद तो बस यही दो चीज करना है कि अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो देखो ये ऊपर वाली चीज जो है कि ऊपर वाला साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा, पहला वाला छोटा बाद वाला बड़ा, पहला वाला छोटा बाद वाला बड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऐसा है देन क्या निकल के आएगा, यहां पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा, बेस आपका बदल जाएगा। तो ये आपका एक पार्ट रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, बस इन्हीं चीजों को अपन ध्यान रखेंगे, क्या कि बेस 1 से ज्यादा है या बेस 1 से कम है। अगर बेस 1 से ज्यादा होगा तो ऊपर वाला पावर जब नीचे आएगा, यानी ये बेस हटेगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगी, और अगर बेस 1 से कम होगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी देखो चेंज हो जाएगी, x y का x लेस देन y हो जाएगा। बस यही सिंपल सी चीज अपने को इसमें पूरे आपका इस वाले एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी में अपने को करना है। जैसे आओ जरा एग्जांपल पे बात करें, थियोरी पे ज्यादा देर तक खपाने का मतलब होता है अपना टाइम वेस्ट करना, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं जरा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी ने कह दिया फाइंड x सेटिस्फाइंग 3 की पावर x² - 2x ग्रेटर देन 9 की पावर x। आपको ये बात 9 की पावर x, हाँ ठीक है 9 की पावर x, तो आपको ये बात कह रखा है, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। क्या करेंगे, पहले तो हम दोनों का बेस सेम करेंगे। देखो भाई यहां देखो, मैं बात लिखा नहीं हूं लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इसका भी बेस a है और इसका भी बेस a है, मतलब दोनों का बेस, पहला अपना काम होगा दोनों का बेस सेम करना। दोनों का बेस सेम हो गया तब चेक करेंगे कि नीचे वाला बेस 1 से ज्यादा या 1 से कम। अगर 1 से ज्यादा तो इनइक्वलिटी, जब इसको बेस हटाते समय इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेंगे, और अगर 1 से कम होगा तो बेस हटाते समय इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का x² - 2x, इसको 9 बनाने से बेहतर है कि इसको हम 3 बना दें, और हम इसको 3 बना दिए तो देखो जरा 3 की पावर x² - 2x ग्रेटर देन, पावर पावर हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो गया। अब जरा देखो तो यहाँ पे बताओ बच्चों बेस कैसा है, बेस इक्वल टू 3, 1 से ज्यादा या 1 से कम, बैरियर होता है एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों का, बैरियर होता है 1, 1 के आगे पीछे ही प्रॉब्लम होती है।
तो बेस है एक से ज्यादा, तो ये अब हम तीन बेस हटाएंगे तो आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। बोलो क्या ग्रेटर देन 2x हो जाएगा? इसको इधर ले आ लिया, x माइनस 4x हो गया ग्रेटर देन 0। मैंने कहा था x कॉमन कर लो, सबको फैक्टराइज कर लिया, मैंने कहा था कि x को डिवाइड मत करना। यहां से x की वैल्यू आ गई, यहां से x की वैल्यू 0 आ गई, यहां से x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4। आपने नंबर लाइन सिस्टम खींचा, यहां कहीं 0 यहां कहीं 4 प्लस माइनस प्लस, आपको ग्रेटर देन वाला चाहिए, मतलब ये चाहिए और ये चाहिए, तो आंसर आप क्या लिखेंगे? जरा देखो मैं यहीं पे आंसर लिख देता हूं। बोलो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? कि x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक आया 0 पे यूनियन, फिर कहां से स्टार्ट किया 4 से लेके इनफाइनाइट तक। बोलो बात समझ में आया? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का पहला सवाल कराया, अभी ज्यादा अभी सवाल नहीं, रुको अभी थोड़ा और रखते हैं, ये कैसे चीजों को और करेंगे। तो आपका जब भी सवाल आएगा तो क्या क्या करना है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में? पहला काम बेस बराबर करना है, दूसरा क्या करना है, बेस बराबर करने के बाद बेस को चेक करना है। क्या चेक करना है? कि बेस की वैल्यू एक से ज्यादा है एक से कम। अगर एक से ज्यादा तो इनइक्वलिटी बेस हटाते समय पावर का इनइक्वलिटी साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करना है। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, लेस देन है तो लेस देन। अगर बेस एक से कम तब पावर का जो इनइक्वलिटी है, पावर का जो साइन है, वो आपको चेंज कर देना है, ठीक है। अच्छा अगली बात आपको मैं बताता हूं कि एक और चीज हम जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, इतना पहले आप नोट कर लो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगली बात क्या है। जरा देखो आओ अगली बात पे आते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। क्या किसी से मान लो कि मैंने किसी से बात कहूं कि 2 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है? माइनस लिखा है तो क्या ये 1/2 की पावर 2 लिखा है क्या? मतलब क्या ये 1/2 की पावर 2 लिखा है क्या? बोलो बात समझ में आ रही है? क्या आपका 3 की पावर माइनस 1/2 है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये 1/3 की पावर 1/2 हो गया क्या? मतलब क्या ये 1/3 का होल पावर 1/2 लिखा जा सकता है क्या? मतलब समझ लो मैं क्या कह रहा हूं कि पावर माइनस होता है तो वैल्यू नीचे आती है, डिनोमिनेटर में आती है। अगर यही पावर माइनस नहीं होता, अगर पावर माइनस, अगर ये कोई चीज नीचे में है जैसे 1/3 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर -1। जैसे लिखा है 1/3 की पावर x, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर -x। मतलब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो भी माइनस लगता है, या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो भी एक माइनस लगता है। जैसे 3 की पावर -x को नीचे लेके आएंगे तो एक और माइनस लग के प्लस हो जाएगा, 3 की पावर x जाएगा। ये वाली बात का अगर हमें ध्यान रहे तो अगले जरा सवाल पे हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में कैसे हम लेके चलते हैं। लाइक जैसे मान लो मैंने सवाल दे दिया आपसे कि 5 की पावर 2x माइनस x क्यूब लेस देन 1/5 की पावर -x। बस इतना छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फाइंड x, आपको x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? पहले नीचे से इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि बेस बराबर करना है। तो जैसे ही नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस x क्यूब लेस देन, ये हो जाएगा 5 की पावर +x। अब जरा देखो तो जरा ये ऊपर में है, ये ऊपर में है। अब जरा बताओ तो बेस कैसा है? बेस इक्वल टू 5, एक से बड़ा है एक से कम। अगर एक से बड़ा है तो अगर बेस हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, लेस देन x हो जाएगा। इस x को इधर लेके आएंगे तो ये 2x माइनस x माइनस x क्यूब लेस देन 0। क्या यहां से ये x माइनस x क्यूब लेस देन 0 हो गया क्या? फैक्टर करेंगे तो ये 1 माइनस x स्क्वायर, एक x कॉमन कर लिया तो बच जाएगा, और ये यहां से 1 माइनस x 1 प्लस x लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्यों? a² - b² सिंपल सी बात है, a² - b² अच्छा आगे जरा बात करते हैं कि अब अगर इतना हमने फैक्टर कर लिया तो आपको याद है रूल ऑफ इनइक्वलिटी में मैंने बोला था कि जब आप फैक्टराइज कर ले तो क्या करना होता है आपको? नेक्स्ट काम क्या करना होता है अपने को? कि चेक ऑल वैल्यू, ऑल x शुड बी पॉजिटिव।
आपको क्या चेक करना होगा, ऑल जितने सारे एक्स हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। क्या यहाँ पे सारे एक्स पॉजिटिव है क्या? ये तो पॉजिटिव है नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, नहीं 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 ये नहीं चलेगा, नहीं नहीं नहीं। अगर नहीं है तो उसको उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी कि बेटा आ जा, बाहर क्या खींच लिया हमने यहां से, एक माइनस इससे खींच लिया और खींचते तुरंत अपने आप को बैलेंस कर लिया, एक्स माइनस वन, यहां से एक्स प्लस वन, यहां से कुछ नहीं खींचा है भाई, ध्यान रखना। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, फिर नंबर लाइन, यहां से एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स इक्वल टू वन, यहां से एक्स इक्वल टू माइनस वन, जीरो वन, सॉरी यहां पे जीरो, यहां पे माइनस वन, यहां पे वन, प्लस माइनस प्लस माइनस, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, अपने से क्या मांग रहा है सवाल वाला, निगेटिव की पॉजिटिव, देखो तो क्या लिखा है, ग्रेटर देन की लेस देन, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां से कहां तक है, माइनस वन से जीरो यूनियन वन से इनफाइनाइट, चूंकि यहां पे इक्वल टू नहीं लगा है तो किसी भी जगह पे क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, क्या देखेंगे आपके एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में, हमेशा हम टाइम इस पे भी ज्यादा वेस्ट नहीं करें क्योंकि हमको तो ज्यादातर ध्यान देना है लॉग पे, इसलिए इस पे दो सवाल हमारे लिए काफी काफी है, इससे ज्यादा अपन नहीं बात करेंगे। तो ये क्या ध्यान देना है अपने को कि बेस एक से कम या एक से ज्यादा, अगर बेस एक से कम है तो क्या करना होगा अपने को, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होगा। जैसे सपोज कि इसी सवाल को कोई चाहता तो इधर वाला बेस भी नीचे कर सकता था, ये पांच को नीचे कर सकता था तो ये एक्स क्यूब माइनस टू एक्स हो जाता, तब हम सॉल्व करते तो अभी आंसर वही आता। बात समझ में आ रही है बच्चों, चलो ये बे हमने एक्सपोनेंशियल पे बात कर लिया, अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक पे। आओ आओ बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को, पढ़ने से पहले थोड़ा सा लॉगरिथमिक इक्वेशन को पढ़ना सीख लेते हैं, निकालना सॉल्व करना सीख लेते हैं। अगर जब हम लॉगरिथमिक के जो इक्वेशंस हैं उसको सीख लेंगे तो उसके बाद से हम लॉगरिथमिक की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे, तो फिर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। कुछ कुछ बातें मैं पहले भी करा चुका हूं, आज कुछ बातें और लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल किया कि फाइंड एक्स, मैं बस आपको थोड़ा सा बस याद दिला रहा हूं, फाइंड एक्स सच दैट लॉग एक्स माइनस टू इक्वल टू लॉग 4 माइनस 3x। तो आपको एक बात बताया था बच्चों मैं कि लॉग का अगर बेस कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि उसका बेस कितना है, e। और अगर दोनों का देखो बेस सेम है तो हम लॉग हटा देते हैं, कि ये काटते नहीं है, ऐसा मत समझना कि लॉग से लॉग कट गया, लॉग हट गया और हट के बनता है x माइनस टू इक्वल टू 4 माइनस 3x, 3x को इधर आया था 4x हो गया और ये 2 इधर चला गया तो 6 हो गया, x की वैल्यू कितना आ गई 3/2 सॉल्व करने के बाद। ये तो एक सवाल हुआ। अगला सवाल अगर मैं ले लू, जैसे मान लो लिखा है कि लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 99 बेस 5 इक्वल टू 0। इस बार देखो इधर में लॉग नहीं है, दोनों तरफ लॉग है, बेस सेम है तो हमने हटा दिया। इस बार इधर में लॉग नहीं है, इधर में लॉग नहीं है तो हम इस लॉग को गिराएंगे, याद करो इस पांच को इसके पास भेजेंगे, ये जीरो खिसका के अपने सर पे भेज लेगा, और सर पे भेजने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बोलेगा कि भैया तेरा भार मेरे सर पे आ जा, 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 होने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 99 इक्वल टू 1, और यहां से चलता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 10। लेकिन घबराना नहीं, रुक जाना, आपका जो ये आंसर आया ना यहां पे या यहां पे, दोनों आंसर को एक बार लॉग में ले आके चेक कर लेना कि लॉग में कहीं यहां निगेटिव तो नहीं आ रही ना, जैसे मैं पहला दिन बताया था, जैसे मैं 3/2 को यहां पे चेक करूंगा तो 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 2 निगेटिव आ गया क्या, जरा देखो तो बच्चों 3/2 माइनस 2 बोलो निगेटिव आया कि नहीं, और ये निगेटिव आया मतलब देखो यहां पे मैंने चेक करना है, चेक दिस एक्स, और जब ये एक्स मैं चेक करूंगा तो लॉग बेस ई, यहां पे 3/2 माइनस 2 ये वाली चीज देखो ये आपका कहलाएगा लॉग बेस ई, ये माइनस बोलो क्या -1/2 आ गया क्या, और -1/2 होते ही हम कहेंगे कि ये नॉट वैलिड, अगर किसी एक भी जगह अगर ऐसा हो गया तो नॉट वैलिड मतलब नो सॉल्यूशन,
नो सोल्यूशन, बात समझ में आया। वैसे ये भी चेक करेंगे, ये 10 को चेक किया तो ये हो गया आपका 10, 10 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 99 1, सब सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जरा नेक्स्ट पे अगर मान लो हमें बात करना हो, जैसे एक और सवाल लेता हूं, लॉग बेस 27 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से लॉग गिराया, ये इसके पास पहुंचा, इसके पास पहुंचने के बाद क्या किया, इसको उसका उसका भार अपने सर पे रख लिया, ये हो गया 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, ये 2x इधर भेजा, 4 इधर भेजा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, अब ये x की वैल्यू हो गया 3/2। फिर से क्या करेंगे अपन लोग, चेक करेंगे, अगर चेक कर रहे हैं, चेक करते से हमें कहा क्या वैल्यू आ रही है, लॉग बेस 27 माइनस 3 इंटू आपका 2 इंटू 3/2। जरा बताओ तो बच्चों, ये 2 से 2 कट गया क्या, लॉग बेस 2 इंटू 4 आया क्या, मतलब सही आया क्या। अब जरा देखो, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, मतलब ये वाला आंसर x की वैल्यू सही हो गया। तो ऐसे ही जब जब आपके लॉग के सवाल होंगे तो पहले हम एग्जिस्टेंस यानी पहले हम उसकी वैल्यू जो आएगी वो चेक करेंगे। इसी को आगे चल के जब मैं इनइक्वालिटी के समय बोलूंगा तो बोलूंगा कि पहले ही हम लॉग का एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे, मतलब पहले ही हम वो लॉग निकाल लेंगे जिस पे ये लॉग की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, लॉग जिंदा रहता हो। कब, अभी आज ही के लेक्चर में जब आगे बढ़ेंगे तो हम पहला काम ये करेंगे, कब, अभी आज ही के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कब ये आपका एग्जिस्टेंस के लिए बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। और एक और सवाल करते हैं, हाँ बच्चों एक और सवाल लिखते हैं ऐसे ही, ताकि एक और चीज, कुछ और चीजों को हम डिस्कस कर सके। ऐसे लिखा है आपका सवाल, क्वेश्चन मान लो लिखा है कि ln 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln 2 माइनस एक्स, और आपको क्या करना है, फाइंड एक्स। तो फिर से बोलो, अगर हम लॉगरिथमिक की इनइक्वालिटी पे बात कर रहे थे तो पहले बोलते हैं कि पहले हमको निकालना चाहिए कि x की वो वैल्यू जहां पे लॉग एग्जिस्ट करे, लेकिन अभी हम इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। जब आप ये सारा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आखिरी स्टेप तक पढ़ लोगे ना, तो जब आपको सवाल आएगा, तो जैसे मेरे दिमाग में इस समय एकदम एक ही बात चल रही है, लगातार चल रही है, अरे पहले x की वैल्यू वो निकाल लो जिस पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रखा हूं, रोक रहा हूं कि नहीं अभी ये चीज नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इनइक्वालिटी नहीं बताया हूं। जब इनइक्वालिटी यही पढ़ लेंगे, बता लेंगे, जान जाएंगे, तब उस दिन पे हम क्या करेंगे बच्चों, तब हम यहां पे पहले इनइक्वालिटी यानी पहले हम लॉग का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, लेकिन आज के लिए नहीं। आज के लिए अपना एक ही फंडा रहेगा कि हम लॉग हटाएंगे, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसको लास्ट में चल के चेक करेंगे। तो जैसे लाइक हमने यहां से देखो, दोनों का बेस सेम, ln का मतलब मैं बता चुका हूं, लॉग बेस ई, लॉग बेस सी का मतलब होता है ln, तो यहां से लॉग हटा, क्या आया 8 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को उधर भेजा तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस एक्स पहले से है और 8 उधर चला गया, जाके बन गया माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू x माइनस 3 एक फैक्टर होगा और x प्लस 2 एक फैक्टर होगा, यहां से एक x की वैल्यू आया 3 और एक x की वैल्यू आया आपकी माइनस 2। लेकिन क्या यही इसका आंसर होगा, बताओ बच्चों क्या यही इसका आंसर होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि सर अभी चेक करना तो बाकी है। अगर चेक करने के बाद अगर ये बात सेटिस्फाई कर देता है कि हाँ दोनों बार में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि हाँ यही होगा। तो चेक करते हैं, पहला ln 8 माइनस, पहले हम x इक्वल टू चेक 3 को चेक कर रहे हैं, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर ln कितना आया, माइनस 1, नहीं नॉट वैलिड, मना कर दिया। फिर क्या चेक करें, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जब चेक करेंगे, सॉरी x इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 चेक करेंगे तो ln 8 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर यानी ln 8 माइनस, देखो ये 4, 8 में से 4 जाएगा, 4 यानी ln 4 वैलिड है, चलेगा। तो दूसरे वाले में भी चेक करना बनता है, अपना फर्ज है, ये 2 माइनस एक्स है ना, तो ये 2 माइनस एक्स के जगह पे ln 2 माइनस माइनस 2 ln 4 फिर से चलेगा, मतलब दोनों जगह सेटिस्फाई किया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ x इक्वल टू माइनस 2। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, ये आपका तरीका है फाइंड करने का। जरा और सवालों पे बात करते हैं, और जरा नेक्स्ट पे थोड़ा सा और सवाल करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर।
हाँ आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस 125 मान लो यहाँ पे लिखा है 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3। देखो अगर ये सवाल है तो क्या करेंगे अपन लोग, क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, यहां से सबसे पहले इसको डाउन किया तो ये इसको अपने सर पे इसका भार ले लिया, तो यहाँ पे 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। स्टिल अभी हम कह रहे हैं कि अभी हम आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं, सीधे x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 2x प्लस 3, ये 125 की पावर 1/3 का मतलब 125 का घनमूल, हिंदी में बोले तो, अंग्रेजी में अपन बोले तो क्या निकलेगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट 125 का दुनिया जानती है 5। आजकल तो शकुंतला देवी मूवी भी आ चुकी है, लोग बड़ा दीवाने हो गए इस बात का कि कैसे फटाफट निकलता होगा। कभी मिलेंगे तो हम भी बता देंगे। 5 टू जा हो जाएगा 10x प्लस 15। अब ये हो गया, ये 3 को उधर भेजा, 15 को इधर लेके आया, 3 को उधर भेजा तो उधर हो गया आपका 7x और 15 को इधर लेके आया तो क्या बन गया आपको माइनस 17। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, माइनस 17/7। क्या ये इसका आंसर ये होगा या नहीं, ये कैसे हम पता करेंगे? तो आंसर पता करने के लिए क्या कहेंगे हम, इसको चेक करेंगे कहां पे, लॉग बेस 125 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। जरा रखो तो वही लो लॉग 125, यहां बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये 3 इंटू ये है माइनस 17/7 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 7 माइनस 2 इंटू 17/7 प्लस 3। कोई बात नहीं, अभी भी हम हिम्मत तो नहीं हार रहे हैं। 125 वो आपका माइनस 51 माइनस 14 बाई 7 एलसीएम हो गया, वहां पे देखो माइनस 34 प्लस 7 3 21 अपॉन 7, ये एलसीएम हो गया, ये कट गया, ऊपर में आ गया, ऊपर में कितना हो गया 51 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा क्या 65 हो जाएगा क्या, और 34 में से 21 निकालेंगे तो क्या 13 बचेगा क्या, जरा बताओ तो बच्चों क्या ये पॉजिटिव आया क्या? और पॉजिटिव आया तो कहेंगे कि बिल्कुल सही आंसर था, यानी आंसर जो आया है अपना x इज इक्वल टू माइनस 17/7 करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये आपका ये ऐसा ही नहीं, यही एक सवाल नहीं, थोड़ा और एक दो सवाल कर लेते हैं कि कैसे, अब जरा फटाफट नोट कर लो, जरा एक दो सवाल और कर लेते हैं फिर हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बढ़ जाएंगे। जैसे अगला सवाल अगर मैं दे दूं आपको, बेहद आसान सा सवाल, x माइनस 4 लॉग बेस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपने देखा, देखते ही बीच में प्लस, दो अलग अलग लॉग, दिमाग में फट से कौन सा कि प्रोडक्ट को, सम को प्रोडक्ट में बदलने वाला प्रॉपर्टी, तो पहले उसके लिए क्या चेक करेंगे, बेस सेम हुआ, दोनों का बेस सेम तो ये दोनों आके एक पास में आ जाएंगे कि भाई ठीक है चलो हमने समझौता कर लिया, यहाँ पे आया x प्लस 4, और समझौता करते ही अब यहां से ये लॉग उड़ेगा तो इसके पास जाएगा और a प्लस बी ए माइनस बी होगा तो x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी 25, x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 5 और x इक्वल टू प्लस माइनस जो 5 आया, क्या यही इसका आंसर हुआ? आप कहोगे नहीं सर नहीं पता, क्यों नहीं पता आंसर यही हुआ, ये क्यों नहीं पता, क्योंकि सर अभी हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या इसकी वैल्यू वहां किसी लॉग को परेशानी तो नहीं कर रहा है ना, मतलब ये लॉग बेस 3 5 माइनस 4 नहीं किया परेशान, नहीं किया, क्यों कि लॉग बेस 3 1 हो गया और 1 पॉजिटिव है, परेशान नहीं किया, काम कर गया। दूसरा पे चेक किया लॉग बेस 3, ये आपका 5 प्लस 4, अगेन चेक नहीं किया, पॉजिटिव हो गया, परेशान नहीं किया, पॉजिटिव हो गया, काम कर गया, मतलब x इक्वल टू प्लस 5, तो किसके लिए चेक कर रहे थे, प्लस 5 के लिए, ये तो अपना आंसर दे गया। माइनस 5 भी चेक किया जाए, माइनस 5 ये लॉग बेस माइनस x माइनस 4, तो माइनस 5 माइनस 4 प्लस लॉग बेस 3 में अगर देखा जाए तो माइनस 5 प्लस 4, और ये भी मना कर दिया, ये भी मना कर दिया, मतलब पहला ही मना कर दिया तो दूसरे के चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, पर ये यही मना कर दिया, इसलिए दिस इज नॉट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
एक्स इज इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सवाल अभी करेंगे, इसमें लॉगरिथमिक के इक्वेशंस को बहुत सॉल्व करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब ये होगा कि हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर सब चीजें लगभग अपने को इकट्ठा कर लेंगे लॉग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ के, और पूरा ये पूरे सिलेबस यानी 11th के दौरान, पूरे 12th के दौरान आपको खूब मिलेगा लॉग का सवाल करने को। ठीक है, और लॉग का इनइक्वालिटी पढ़ते बच्चों।